चलिए आज बनाते हैं टेस्टी स्पाइसी एंड बहुत ही जल्दी बनने वाला इवनिंग टाइम स्नैक्स कोटमवीर वड़ी, जो बच्चे से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं कोटमवीर वड़ी। कोटमवीर वड़ी बनाने के लिए एक बड़े बोल में 1 कप बेसन लेंगे, 1/4 कप चावल का आटा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हरी मिर्च, अदरक और जीरे का ये पेस्ट है, 2 चम्मच ये लेंगे। ये हमने इसमें भीगा हुआ पोहा 2 चम्मच ऐड किया है, इससे कोटमवीर वड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 कप हमने फ्रेश दही लिया है। सब चीजों को हम पहले अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब बेसन को घोलने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिलाते जाएंगे, जिससे कि इसमें गांठे ना पड़े। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और एक थोड़ा पतला बैटर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। एक कप बेसन में करीब 1 से 1.25 कप पानी ऐड करना पड़ेगा। बैटर बनके तैयार है। इसमें अब हम 1/4 चम्मच हींग पाउडर ऐड करेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए एकदम बैटर की। इसको हम ढक के करीब 15 से 20 मिनट रख देंगे। बैटर को रेस्ट करके 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालकर गरम करते हैं। 2 चम्मच मूंगफली के दानों को हल्का दर्रा पीस लिया है। इसे कोटमवीर वड़ी में काफी अच्छा क्रंची टेस्ट आता है। हल्का गुलाबी भून लेते हैं। मूंगफली के दाने अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें जो हमने बेसन का घोल बनाया है वो ऐड करते हैं। बैटर को बराबर चलाते हुए कुक करते रहेंगे। तब तक कुक करेंगे जब तक बैटर पूरा गाढ़ा ना हो जाए और एक डो की तरह बैटर बनकर तैयार ना हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे। बैटर अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें हमने 1 से 1.5 कप फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ ऐड किया है। सब चीजों को अच्छी तरह हम मिला लेते हैं। बैटर भी अब गाढ़ा हो गया है। गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और बैटर को एक ग्रीस ट्रे में हम फैला देंगे। बेसन के डो को स्पैटुला या हाथ की मदद से ग्रीस ट्रे में इवेनली स्प्रेड कर देते हैं। अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है बेसन। अब इसको ठंडा करने के लिए 15 मिनट रख देते हैं। बेसन अब अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसको हम स्क्वायर शेप में
या जो भी आपको शेप पसंद हो उसमें आप इसके पीसेस बनाकर तैयार कर लें। हम स्क्वायर शेप में इसको काट रहे हैं। सारे पीसेस कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल को पहले तेज आंच पे गरम किया है, फिर फ्लेम को मीडियम कर दिया है। एक एक कोटमबीर बड़ी डालते जाएंगे, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो कोटमबीर बड़ी को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। कोटमबीर बड़ी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। इसको हम एक बोल या प्लेट में निकाल लेते हैं। महाराष्ट्र की पॉपुलर रेसिपी कोटमबीर बड़ी बनकर तैयार है। ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।